अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज मैंने सुबह से ब्लॉग चालू नहीं करी थी क्योंकि फारिया को बुखार था। अभी आराम है फारिया को, तो आज मैं शाम में ही खाना बना रही हूँ। तो मैं झटपट खीमे का पुलाव बनाने वाली हूँ, उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गाइस। तो देखें, ये कुकर रख दी हूँ मैंने, गर्म हो गया है हमारा कुकर। इसमें तेल डाल दी हूँ मैंने, अपने हिसाब से डालना गाइस तेल, है ना गाइस। यहाँ पे कुछ खड़े गरम मसाले, ये देखिए दालचीनी है, दो ली हूँ मैंने, एक फूल ली हूँ, साजीरा थोड़ा ली हूँ, लौंग दो ली हूँ, और एक हरी इलायची और दो काली मिरी, ये डाल देंगे पहले गाइस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो गाइस, बाजू में इधर एरिया में शादी है, म्यूजिक आ रही है, तो आप जरा समझ के ले लेना गाइस, है ना। हम लोग चौल में रहते हैं गाइस, तो आवाज तो आती है ना। ये देखिए, ये अच्छे से हो गया है, तड़तड़ हो गया है गरम मसाला अपना। ये डाल दूंगी मैंने, ये चार मीडियम साइज के प्याज ली हूँ मैंने, ये देखिए गाइस। बहुत झटपट बन जाता है ये पुलाव और बहुत टेस्टी लगता है गाइस, है ना। थोड़े प्याज नरम हो जाएंगी, इसके बाद हम लोग उसमें हरी मिर्च, ये देखिए गाइस, ये हरी मिर्च मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से ली हूँ, खड़ी ऐसा बीच में से चीरी मार के, देखिए ऐसा कटिंग करके ले ली हूँ मैंने, आप आपके टेस्ट के हिसाब से लेना। और ये मीडियम साइज के तीन टमाटर ली हूँ मैंने गाइस, ये देखिए, है ना। ये प्याज हो जाएंगी नरम, मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर से। ये देखिए गाइस, प्याज नरम हो गई है हमारी अच्छी तरह से। इसमें डाल दूंगी टमाटर, ये देखिए गाइस, इसी के साथ डाल दूंगी ये हरी मिर्च, देखो इसी के साथ में। ये अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा गाइस, डेढ़ चम्मच डालूंगी गाइस। देखो ये हमारे सूखे मसाले हैं गाइस, ये देखिए, गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, धनिया पाउडर दो चम्मच ली हूँ, एक छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और नमक आपके टेस्ट के हिसाब से गाइस। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंपल सा पुलाव बनाऊंगी गाइस ये, एकदम खाने में बहुत टेस्टी लगता है, आप जरूर बनाना हमारी स्टाइल में। इसी के साथ में मैं ये खीमा भी डाल दूंगी गाइस, ये देखिए, ये 1.5 किलो खीमा है, इससे थोड़ा ज़्यादा था, ये देखिए गाइस, इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, ये देखो। आज पे ही इसको भुनना है गाइस अच्छी तरह से, थोड़ा इसका कच्चापन जाएगा खीमे का, फिर उसके बाद अपन इसमें इसको कुकर को ढक्कन लगा देंगे, दो से तीन सीटी ले लेंगे गाइस, है ना। ये देखिए गाइस,
माशाल्लाह, है ना। देखिए गाइस, अच्छी तरह से भून ली हूँ मैंने इसे। देखिए कितना बेहतरीन दिख रहा है ना। अभी गैस स्लो करके 2 से 3 सीटी ले लेंगे गाइस अपन इसकी। ये देखिए गाइस, चलिए फिर मिलती हूँ मैं ये सीटी हुई बाद। देखिए गाइस, अभी 2 सीटी हो चुकी है। यहाँ पे मैंने 2.5 कटोरी चावल ली हुई है। ये देखिए गाइस, हम लोग ये टुकड़ा चावल खाते हैं। ये देखिए, है ना। कर दूंगी और ये सीटी का फ्लेम निकाल दूंगी और फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। देखिए गाइस, हमारा खीमा अच्छी तरह से हो चुका है, गल चुका है। ये मैंने फ्लेम वापस से चालू कर दी थी। ये देखिए गाइस, अच्छे से हो गया है। ये चावल धोके रखी थी, इसमें मैंने एक आलू डाली हूँ। ये देखिए, एक आलू के 4 पीस करी हूँ, इसमें ही डाल दी थी गाइस मैंने। अब इसी के साथ मैं ये चावल डाल दूंगी गाइस। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से साफ करके डालना है गाइस। इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं डाल दूंगी पानी। आज मैंने 2.5 कटोरी चावल ली थी तो मैंने इसमें 4 गिलास पानी डाली हूँ। ये देखिए, इसी के साथ में मैं कोथमीर भी डाल दूंगी गाइस। ये देखिए, कम लगेगा तो फिर ऑफिस देखेंगे। नमक टेस्ट कर लेंगे एक बार फिर से। नमक थोड़ा कम लग रहा है गाइस। थोड़ा नमक और डाल दी हूँ मैंने, आप भी नमक चेक कर लेना गाइस। इसको मैं पकने रख देती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर से। देखिए गाइस, अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स करके दम पे लगा दूंगी पुलाव, हमारा खीमे का पुलाव। ये देखिए गाइस, बस अभी इसको इसमें ही हो जाएगा गाइस। अभी मैं स्लो पे दम पे इसको लगा दूंगी। अब मिलती हूँ मैं पुलाव दम पे आए बाद। देखिए गाइस, हमारा पुलाव हो गया। अभी सीटी का फ्लेम निकाल दूंगी मैं। ये देखो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए गाइस, कितना बेहतरीन बना है। ये देखिए, है ना, खुला खुला है ना गाइस। अभी ये प्लेट में मैं निकाल दूंगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए टेस्टी बनता है गाइस, आप भी हमारी स्टाइल में जरूर बनाना।
देखिए गाइस, है ना, ये देखिए गाइस कितना बेहतरीन दिख रहा है ना। आप भी हमारी स्टाइल में बनाना। आइए आप भी हमारे साथ खाना खाने। चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपको खाना खाए बाद। तो गाइस आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है ज़रूर कमेंट करके बताना। हमें लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो और सब्सक्राइब करो गाइस। इसी के साथ ये ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। चलिए फिर मिलते हैं आपसे कल। तो अल्लाह हाफिज़, कल मिलेंगे वापिस। चलिए फिर मिलते हैं आपसे।